बच्चों, आज हम समाज और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है सम धन आस, अर्थात जो पास पास हो। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं और जो दोनों पद हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयव का लोप हो जाता है, जैसे गंगा का जल समास हुआ गंगा जल। इसमें का लोप हो गया है, का जो है वो विभक्ति शब्द है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इस प्रकार जब दो शब्दों को हम मिलाते हैं तो वह समस्त पद या समासिक शब्द बनता है, लेकिन जब हम समास को तोड़ते हैं अर्थात पदों को अलग अलग करते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र, इसमें राजा का पुत्र में का लोप हो गया है और समास हुआ राजपुत्र। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। बच्चों, अब हम समास के प्रकार अर्थात वह कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। समास कुल छह प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवा बहुव्रीही समास। सर्वप्रथम हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। यह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में कारक, विभक्तियों या परसर्ग के चिन्हों का लोप होता है, जैसे हमारे कारक है, विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण तत्पुरुष। तो इनके जो कर्ता और संबंध में इसका तत्पुरुष समास नहीं बनता, बाकी की छह विभक्तियों में तत्पुरुष समास बनते हैं और उनके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे कर्म, कर्म का कारक चिन्ह है को, इसमें जब समास बनेगा तो को का लोप हो जाएगा, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, इसका संक्षिप्त हुआ ग्रंथकार, को इसमें लुप्त हो गया है। करण तत्पुरुष, उसका कारक चिन्ह है से, जैसे वाल्मीकि रचित या वाल्मीकि के द्वारा रचित या वाल्मीकि से रचित। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है के लिए, जब समास में के लिए का लोप हो जाए तो संप्रदान कारक होता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जैसे अपादान तत्पुरुष में से पृथक होने के लिए, जब कोई चीज किसी से अलग होता है वहां अपादान वाला से होता है, जबकि करण में भी से होता है, पर करण में से के द्वारा, मतलब हम किसी से जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा काम कर रहे हैं, उससे का बोध होता है, लेकिन अपादान में पृथक होने वाले से का बोध होता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, मतिहीन, मति से हीन, माने बुद्धिहीन। ऐसे जो किसी चीज से हमको अलग करता है वहां अपादान तत्पुरुष होता है और इससे बनने वाले शब्द को तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष, का के की, इसका चिन्ह है, जैसे राजसभा, राजा की सभा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष। अगला है अपना अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है
में और पर, जहाँ पर में और पर का लोप होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है, जैसे जल समाधि, जल में समाधि। इस तरह तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है और समास का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग फिर हमें दिखाई देता है। यह कर्ता और संबंध में, संबोधन में इनका प्रयोग नहीं होता। बाकी छह विभक्ति में ये छह प्रकार से बनते हैं। अगला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अव्यय क्या है, पहला पद अव्यय हो तो अव्यय क्या है? तो अव्यय वह शब्द है, वह शब्द है जिस पर लिंग अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कर्ता कारक कौन है, एक है, दो है, बहुत सारे हैं, या काल, कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल आदि शब्दों से प्रभावित ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे कल, कल को लड़की भी कल बोलेगी, लड़का भी कल बोलेगा, एक भी कल बोलेंगे, बहुत सारे भी कल बोलेंगे, और वर्तमान काल में भी कल, भूतकाल में भी कल, भविष्य काल में भी कल ही रहेगा। अर्थात कल का कलो, कले, कला आदि रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसका बहुवचन नहीं बनता, उसके जो रूप है वही रहता है। ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास अव्यय कहते हैं। और अव्ययी भाव के पहले शब्द में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आदि अव्यय शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, आजन्म, जन्म से लेकर, आ यथामति, यथा प्रतिदिन, प्रति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें आ, यथा, प्रति, यथा ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं। और इससे बिनकर बने शब्द भी अव्यय हो गए हैं, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, विशेषण अर्थात उपमान और विशेष्य अर्थात उपमेय, उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, वह वस्तु या संज्ञा जिसकी तुलना की जाती है वह विशेष्य या उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान या विशेषण होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो, या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, है जो आया है यहाँ, है जो। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान कर। नर सिंह, सिंह रूपी नर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। देखिए यहाँ देव जो है विशेष्य है और महान जो है उसका विशेषण है, मतलब महान देवता। आत्मा विशेष्य है, दुर बुरा विशेषण है। कर जो है विशेष्य है और कमल जो है उसका विशेषण है। सिंह जो है वह विशेषण है और नर जो है वह विशेष्य है। नर है कैसे, सिंह, सिंह रूपी नर, शेर के समान व्यक्ति। चंद्रमुख, इसमें मुख है और चंद्र है, मुख जो है विशेष्य है, उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा के समान, माने चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। इस तरह यहाँ एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास हुआ। हमारा अगला समास है द्विगु समास। वह समास जिसका पूर्व पद माने पहला पद, पूर्व पद माने पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्याओं को बताता है तथा समस्त समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर,
दोपहर मतलब दोपहरों का समूह, दोपहरों का समाहार समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। देखिए यहाँ दोपहर में दो, शताब्दी में शत, पंचतंत्र में पंच और सप्ताह में सप्त, ये दो सत पंच पांच सप्त सात, ये पहला पद जो है पूर्व पद है, इससे हमें संख्याओं का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ द्विगु समास हुआ। अगला समास है हमारा द्वंद समास। जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वह समास द्वंद समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, इसका विग्रह करेंगे तो अन्न और जल समास हुआ, तो अन्न जल अर्थात और लोप हो गया, अपना पराया अपना और पराया, राजा रंग राजा और रंग, देश विदेश देश और विदेश, और लाभ या हानि अंदर या बाहर, सुख या दुख आदि, और या का लोप हो जाता है। इसकी एक पहचान और है कि ये दोनों पद प्रधान होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, और इनके बीच में एक आड़ी रेखा होती है, संयोजक रेखा होती है, इसलिए इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और या का लोप हो जाता है। हमारा अगला और अंतिम समास है बहुव्रीही समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो अर्थात न पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर मतलब कोई नया अर्थ बताते हैं, कोई नई चीज की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीही समास कहलाता है। जैसे गजानन गजानन, गज माने हाथी, आनंद माने मुख, अब हाथी मुख, अब हाथी मुख से कहीं भी गणेश जी नहीं आया है मगर उसका समास समासिक शब्द बनेगा गज से आनंद वाला अर्थात गणपति। त्रिलोचन तीन आंखों वाला अर्थात शंकर। दशानंद दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तीसरा पद आ रहा है गजानन गणेश जी, त्रिलोचन शंकर जी, दशानन रावण, चतुर्भुज ब्रह्मा जी, मुरलीधर कृष्ण। इस तरह इस शब्दों का शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ आता है और किसी तीसरे पद की विशेषताओं को बताता है, वहां पर बहुव्रीही समास होता है। इस तरह बच्चों बहुव्रीही समास और कर्मधारय समास, दोनों समास में दो पद होते हैं लेकिन एक समास बहुव्रीही समास में तीसरे पद की विशेषता का पता चलता है, जबकि कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक विशेषण और विशेष्य होता है, लेकिन बहुव्रीही समास में तीसरा अर्थ आता है। इस तरह हम इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं और इस तरह हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ।